तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ये चीज़ समझ ली, प्लॉट के बारे में समझ लिया। राइजिंग एक्शन है आपके कोर्स में और क्लाइमैक्स है, तो एलिमेंट ऑफ ए स्टोरी प्लॉट। तो अगर हम स्टोरी जो प्लॉट हमारी चाह बनता है जाके, तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे जाते हैं, जहाँ पर दिस इज द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी। तो किसी भी स्टोरी का स्टार्ट इंट्रोडक्शन से ही होता है। वेयर वी मीट द मेन कैरेक्टर और कैरेक्टर्स अंडरस्टैंड द सेटिंग एंड कन्फ्लिक्ट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इंट्रोडक्शन जब शुरू करेंगे हम, तो सबसे पहले हम जो भी स्टोरी हमारी चलेगी, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आएंगे हम। और वहाँ आकर के हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, क्या पूरी स्टोरी क्या मैसेज दे रही है वो हमको, इसमें क्या सेटिंग है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, पूरा समझ जाएंगे इसमें। वी माइट मीट ए मेन कैरेक्टर, जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे समझ सकते हैं कि हम किसी एक मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कोई हीरो है या हीरोइन है, करेक्टर इस टाइप से होते हैं। उसका फियोना नाम है, हु जस्ट मूव टू आयरलैंड एंड इज राइटिंग हर फर्स्ट बुक। तो जो फायना नाम है वो आयरलैंड गई और वहाँ जाकर उसने अपनी पहली बुक लिखी। देयर वी मीट द मेन करेक्टर। तो यानी कि अब हम पूरी इस स्टोरी में फायना नाम की जो लेडी है या गर्ल है, तो वो जो है उसके बारे में इसमें डिस्कशन किया जाएगा। हमने बता दिया कि हम स्टोरी जो कर रहे हैं एक ऐसे राइटर के बारे में कर रहे हैं जिसने आयरलैंड गई थी और वहाँ जाकर के अपनी पहली बुक लिखना प्रारंभ किया था। अंडरस्टैंड शी इज़ ए न्यू कंट्री, हैं शी इज़ इन ए न्यू कंट्री एंड विल वॉच हर पुश टू ओवरकम द ट्रायल्स एंड ट्रेबुलेशंस डेट कम फॉर फ्रॉम ईच ऑफ दीज न्यू एलिमेंट्स। तो ये जब स्टोरी लिखने चलती है, तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये करेक्टर क्या लिख उस स्टोरी को किस कंडीशनों में से गुजर के गई, जैसे पहली बार आयरलैंड गई हो, ये सब बातें उसके उसका इसमें जिक्र ज़रूर रहेगा। उस इंट्रोडक्शन के द्वारा हमको ये पता चल गया कि इंट्रोडक्शन बताता है कि इसमें ऐसा कुछ हुआ है कि ये पहली बार गई थी और इसके बारे में नोवेल लिख रही है। अब हम आते हैं राइजिंग एक्शन, इसका जो है प्लॉट का सेकंड एलिमेंट। इन द राइजिंग एक्शन वी वॉच ए सीरीज ऑफ इवेंट्स अनफोल्ड, यानी कि अनफोल्ड पोजीशन में आकर के हम जो भी उसमें इवेंट्स घटना चक्र है, धीरे धीरे साथ जानते हैं। हाँ, विस्तार पूर्वक उनको देखते चले जाते हैं। देयर इज नो मच इन ए स्टोरी इफ एवरीथिंग वर्क आउट परफेक्टली एंड दे आर जीरो बम्प्स इन द रोड, वी नीड ए लिटिल कॉन्फ्लिक्ट। हर स्टोरी में थोड़ी बहुत बातचीत होती है, मतलब उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो क्लाइमेक्स भी स्टोरी का एक बहुत अच्छा पार्ट होता है। अगर क्लाइमेक्स नहीं होता तो आप बोर हो जाएंगे और बहुत जल्दी आप ऊब जाएंगे उससे। तो आपके मन में एक उत्सुकता बनी रहती है कि भाई देखें इसका आखिर क्लाइमेक्स क्या आ जाता है। तो वहाँ पे क्लाइमेक्स प्लॉट का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर क्लाइमेक्स ऑफ ए स्टोरी इज द पीक ऑफ द एक्शन। जो भी एक्शन है स्टोरी के अंदर, एक्शन होना बहुत मस्ट है, इवेंट्स के द्वारा होता तैयार। एट दिस पॉइंट वी हैव वॉच द मेन करेक्टर कन्फ्रंट द एक्शन और कन्फ्लिक्ट एंड नाउ समथिंग मेजर हैज़ टू कम टू हेड। आखिर में क्या सही क्या गलत है और क्या इसने हीरो जो है इसमें वो क्या कर पाया या नहीं कर पाया, तो उसके बारे में हेड पे हमारे क्या आता है उस चीज़ को नॉलेज जानने के प्रति एक ईगरनेस रहती है और वो हमारे सामने उसका रिजल्ट आता है सामने। और इसके साथ हम थोड़ा सा ही मैटर को समझते हुए चलेंगे, ज़्यादा बड़ी बुक है मोटी बुक है तो थोड़ा सा, तो आपको करेक्टर्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे इसके, तो हमको पता चल गया कि किसी भी नॉवेल में आपका जो है नॉवेल क्या होता है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं और एलिमेंट्स में क्या तरीके से प्लॉट आता है, तो प्लॉट के बारे में क्या क्या बातें इम्पोर्टेंट हैं। और फॉलिंग एक्शन क्लाइमेक्स के बाद आ जाते हैं, फॉलिंग एक्शन भी आ जाता है और रिजोल्यूशन भी उसके बारे में बता देता है। तो ये हमारा
पार्ट हो गया। इसके अलावा एक और चीज़ होती है करेक्टराइजेशन। तो करेक्टराइजेशन इज ए लिटरेरी डिवाइस डेट इज यूज स्टेप बाई स्टेप इन द लिटरेचर टू हाईलाइट एंड एक्सप्लेन द डिटेल्स अबाउट अ करेक्टर इन स्टेप। करेक्टर की स्टेप बाई स्टेप जो भी विशेषताएं हैं उन सब का बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है एक तरीके से। टाइप्स ऑफ करेक्टराइजेशन भी आपके सिलेबस में है। करेक्टराइजेशन को जानने के बाद आप उसको ये भी देखना पड़ेगा किस टाइप के करेक्टर्स आपके पास हैं। डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, या नैरेटिव टेक्निक भी इसमें प्रयोग किया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पास में दिस काइंड ऑफ करेक्टराइजेशन टेक्स ए डायरेक्ट अप्रोच टूवर्ड्स बिल्डिंग द करेक्टर। इसमें सीधी अप्रोच है करेक्टर को बनाने की। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, ऑडियंस, ऑडियंस की भूमिका आ जाती है। दिस इज ए मोर सबटल वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द करेक्टर टू द ऑडियंस। द ऑडियंस हैज टू डिड्यूस द themselves for characterization of character by observing। यहाँ पर indirect में क्या होता है कि जो public है वो तय करेगी ये क्या है। हाँ, indirect तरीके से भी character के बारे में आ जाता है। एक main hero होता है, side hero वगैरह होते हैं, side role। narrative techniques के बारे में भी narrative technique हैं इसमें। और नैरेटिव्स आर वर्क्स डेट प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ कनेक्टेड इवेंट्स। नैरेटिव्स आर वर्क्स डेट प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ कनेक्टेड इवेंट्स। एक ऐसा, हाँ, एक दूसरे जुड़ी वो घटनाएं दिखाता है। शाबाश। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ लिटरेचर डेट आर कंसिडर्ड नैरेटिव्स इंक्लूडिंग नॉवेल्स है, ड्रामा, फॉक टेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोएट्री। तो ये आप समझ लेंगे, इसमें आपको संग में देखना पड़ेगा फर्स्ट पर्सन नैरेटिव क्या है और थर्ड पर्सन। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स भी होते हैं, हिस्टोरिकल नॉवेल्स भी हैं आपके सिलेबस में, और अदर कॉमन नैरेटिव टेक्निक्स है। ठीक। तो द प्राइमरी टाइप्स ऑफ नैरेटिव स्ट्रक्चर्स जो हैं, नॉवेल है, पोइम है, ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरी, और लीजेंड्स है, फॉक टेल है, फेरी टेल है, एपिक्स है, ये सारी चीज़ें। तो एक तो आपको ये तैयारी से समझ जाएंगे आप थोड़ा सा, इसे आप देख लीजिए। तो इस पर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट भी आएगा है। और व्हाट इज नॉवेल, डिस्कस द करेक्टराइजेशन, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है। तो इसके अलावा अब आपका पहला पार्ट पूरा हो जाएगा इसका, ये क्वेश्चंस हैं इसमें। तो जैसे प्लॉट इन ए शॉर्ट स्टोरी में क्या है प्लॉट, तो वो सब चीज़ें सेम से आप समझ चुके हैं पहले ही। और इसके बाद आप समझ लेंगे, यूनिट टू में आ जाएंगे, अर्लियर ट्रेंड्स इन फिक्शन। मैं पहले सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो जो इसके आपके सिलेबस में हैं। तो नेक्स्ट डे में हम दूसरे जो पार्ट है नॉवेल और इस टाइप है इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। और इसी को बेस रख करके सारे स्टूडेंट्स जो और भी हैं वो भी इसको समझ सकेंगे। तो इसी के हिसाब से अपने आप को तैयार करें। गुड लक।